रेखा होती है जिस पर सभी संख्याएं होती हैं, जीरो इधर वन टू थ्री फोर डॉट डॉट और इधर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, इन सभी खानों के बीच की दूरी बराबर होती है। एक बात तो ये है, जीरो से दाईं ओर पॉजिटिव होते हैं, जीरो के बाईं ओर नेगेटिव होते हैं। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है, यानी ना तो ये धनात्मक होता है और ना ही ये ऋणात्मक होता है। तो क्वेश्चन नंबर एक है, संख्या रेखा पर निरूपित करो। किसे किसे करो? फर्स्ट छह बड़े तीन को, सेकंड सात बड़े दो को, थर्ड माइनस पांच बड़े तीन को और फोर्थ तीन बड़े आठ को तथा माइनस तीन बड़े आठ। आपको ये ध्यान रखना है, जो माइनस वाले हैं वो जीरो से इधर निरूपित होंगे, जो प्लस वाले हैं वो जीरो से इधर निरूपित होंगे। इसके लिए फर्स्ट देखिए, छह बटे तीन ये होता है अंश और ये होता है हर। जितने नंबर हर में दिए हुए हैं, हर में तीन दिया हुआ है, इसका मतलब हमें तीन बराबर खानों के ग्रुप तैयार करने हैं, क्योंकि पॉजिटिव है। देखिए जीरो वन टू थ्री इसे बड़ा कर लेंगे, वन टू फिर थ्री, वन टू फिर थ्री, इसी प्रकार से वन टू और थ्री, फिर वन टू और थ्री, वन टू थ्री, यहाँ वन टू, ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, छह बटे तीन। तो हमें देखना तीन खाने, वन टू थ्री, वन टू थ्री, पर तीन तीन खाने ऊपर छह हैं, तो छह में चल रहे हैं हमें, एक दो तीन चार पाँच छह, ये छह बटे तीन हुआ। इसी प्रकार से फिर सेकंड देखते हैं, सात बटे दो, जीरो बटे दो, दो दो खाने करेंगे, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, वन टू थ्री फोर, प्लस का तो लिख लेंगे, माइनस वन माइनस टू, कितने अंक हैं? दो दो के खाने हो गए हमारे सात, तो एक दो तीन चार पाँच छ और सात, ये सात बटे दो है। इसी प्रकार से थर्ड सवाल आप स्वयं करेंगे, इसका फोर्थ तीन बटे आठ तथा माइनस तीन बटे आठ, देखा दीजिए, जीरो लगाइए, एक दो तीन चार पाँच
माइनस नौ कॉमन सेवन बराबर तीन, इसे भी ऐसे करेंगे माइनस नाइन अपॉन सेवन मल्टीप्लाई बाई थ्री प्लस इलेवन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई बाई सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन अपॉन ट्वेंटी वन प्लस सेवेंटी सेवन अपॉन ट्वेंटी वन। आगे कर दीजिए मैप, ये मैप करना है आपको। आगे इसका फ्रंट देखिएगा, थर्ड मोड माइनस थ्री अपॉन फाइव मल्टीप्लाई माइनस सेवन अपॉन इलेवन माइनस माइनस प्लस सात या इक्कीस और ग्यारह बजे पचपन इक्कीस बटे पचपन। चलिए अब इसका सवाल नंबर फोर देखते हैं। माइनस टू भाग अपॉन सिक्स इज इक्वल टू माइनस टू मल्टीप्लाई सिक्स हो जाएगा। भाग का चिन्ह गुणा चिन्ह करके इसे कर देते हैं तो ये हो गया माइनस के ट्वेल्व, यानी आंसर है ट्वेल्व। इस प्रकार से आपका सवाल नंबर तीन भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर चार, निम्न लिखित को सत्यापित कीजिए। देखिए इसका क्या वजह है, मैं फर्स्ट करा रहा हूं, सेकंड और थर्ड किताब ले लीजिए, किताब के माध्यम से कराया जाएगा। तो सेकंड और थर्ड जो है आपको घर के लिए ले रहा हूं, क्यों इसका फर्स्ट देखिए पार्ट, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड ग्यारह बटे तेरह प्लस पांच बटे सात, तो ये हो गया आपका ग्यारह गुणा सात बटे तेरह गुणा सात जमा पांच गुणा तेरह बटे सात गुणा तेरह सेवेंटी सेवन अपॉन नाइन्टी वन प्लस सिक्सटी फाइव अपॉन नाइन्टी वन नाइन्टी वन टू वन फोर्टी टू संख्या है।
देखिए शून्य से छोटी बड़ी संख्या है ऐसा नहीं है। हम देखते हैं लाइन पर, ये जीरो वन टू थ्री और यहाँ माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, इस तरह संख्या बढ़ते क्रम में है, इस तरह संख्या घटते क्रम में है। तो जीरो छोटे छोटे जीरो से छोटी है, तो ये ऐसा संख्या बढ़ा सबसे छोटे नहीं है, इससे छोटे हैं, माइनस वाले छोटे होते हैं, जीरो से छोटे वाले माइनस के होते हैं। नंबर सेकंड, नौ बटे माइनस चार संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर है, बताइए माइनस के जो है माइनस का है, ये माइनस का है, ये शून्य है, तो शून्य के माइनस किधर है, बाईं ओर है या दाईं ओर है? शून्य के माइनस बाईं ओर होते हैं, ये बात सत्य है, तो ये माइनस वाली है, शून्य के बाईं ओर। पढ़िए पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, सही सत्यवाद। प्रत्येक पूर्णांक में परिमेय संख्या है, किसी के भी नीचे बटे एक रख सकते हैं, जैसे दो है पूर्णांक में, एक दो बटे एक भी रख सकते हैं, ये परिमेय हो गए। चलिए नंबर फोर, बारह के सत्रह संख्या रेखा, बताइए किस ओर है संख्या रेखा, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो बारह के सत्रह किस ओर होगी, ये दाईं ओर होगी, तो संख्या रेखा के बाईं ओर है, तो क्या हुआ, ये भी असत्य हुआ, असत्य है। फोर्थ और इसका आखिरी सवाल, एक बटे माइनस दो वे माइनस तीन बटे दो संख्या रेखा पर शून्य की विपरीत दिशाओं में है। देखिए माइनस के जीरो से माइनस के इधर इधर है, माइनस से किधर है, बाईं ओर है, क्योंकि कहा कि ये माइनस एक बटे दो और माइनस एक बटे दो संख्या रहेगा, कि दूसरी दिशा में इधर भी है इधर भी है, कह सकते हैं। आपकी 1.1 प्रश्नावली पूरी हुई, अगले लेक्चर में 1.2 कराई जाएगी, इससे पहले आप सभी बच्चे अपनी किताबें ले लें।